जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम्स के बारे में। पीजीटी जो स्क्रीनिंग एग्जाम्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं कि क्या वो क्वालिफाई है या उसकी कट ऑफ लगेगी। तो ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि वो जो है वो क्वालिफाई है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको उसको क्लियर करने के लिए 25% मार्क्स चाहिए। तो क्या बस 25% चाहिए या उसमें भी कट ऑफ लगेगी, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की कुछ बातें दिखा दूं जो जो उसमें लिखा हुआ है। सबसे जरूरी बात एक तो यह आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको सभी क्वेश्चनों के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई, जिसमें से 4 आपके आंसर होंगे, क्वेश्चन के आंसर होंगे। पांचवा एक ऑप्शन ई होगा जब आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए हैं या आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको ऑप्शन ई फिल करना है। यानी किसी भी क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ेंगे, या तो आप आंसर फिल करेंगे या आप ऑप्शन ई फिल करेंगे। और अगर ऐसा करते हुए आपने मान लिया ऑप्शन ई फिल नहीं किया और आपके 10% क्वेश्चन, यानी अगर 100 में से 10 क्वेश्चन के ऑप्शन खाली रह गए, आपने एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, तो आपका एग्जाम वैसे ही डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा भाई। यानी आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको फिल करना है, या तो आपका आंसर आ जाएगा वो फिल करना है या ऑप्शन ई फिल करना है, पहली बात। दूसरी जरूरी बात क्या है कि आपका जो पेपर होगा वो उन्होंने लिखा है कि वो क्या होगा, क्वालिफाई होगा। और कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं आपको, 25% मार्क्स लेने हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसी उलझन में फंस गए हैं। उनको लगता है सर 25% मार्क्स तो आसानी से उड़ा लेंगे, 100 में से 25 क्वेश्चन लेना काम मुश्किल है। कुछ बच्चों ने पिछली बार क्या किया, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन्हें लगा कि मेरे ठीक हैं, उसके बाद आराम से सोए पेपर में, 25 ही तो चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को गहराई से समझे, इसका रीजन क्या दे रखा उन्होंने, उन्होंने कहा है कि 25% तो चाहिए ही चाहिए, 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, अगर 25 से कम है तो डिस्क्वालिफाई, आपको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन 25 से अगर ज्यादा है तो फिर कट ऑफ लगेगी। जैसे इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं मैं, मान लिया किसी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम उठा लेते हैं, उस एग्जाम में 200 वैकेंसी है, एग्जाम में वैकेंसी है 200, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, मान लिया 2000 बच्चों ने उस एग्जाम को दिया है, 2000 बच्चे पेपर देने गए, वैकेंसी 200 है, बोर्ड क्या करेगा, 200 का 4 गुना बच्चों को बुलाएगा आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। स्क्रीनिंग दिया 2000 बच्चों ने, वैकेंसी है 200, तो वो क्या करेगा, 800 बच्चों को बुलाएगा जो सब्जेक्टिव पेपर देंगे, और इन 800 बच्चों के मान लिया 60% से ऊपर नंबर है, तो ये बोर्ड क्या करेगा, ऊपर वाले 800 बच्चों को उठाएगा, ना कि 25% से ऊपर सबको। मान लिया 25% से ऊपर 1000 बच्चे हैं तो सबको नहीं उठाएगा, ऊपर वाले 800 बच्चों को। वो हो सकता है 50% से ज्यादा हो, वो हो सकता है 55% से ज्यादा हो सकता है 60% से ज्यादा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई 25% आ गए तो क्वालिफाई हो गए, ना। आपको क्या रहना है, टॉप 4 times बच्चों में रहना है, जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना बच्चों में रहना है। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 450 के आसपास वैकेंसी है, तो उसका 4 गुना, यानी पहले 1800 बच्चों में आपको आना पड़ेगा, तब जाकर आप सब्जेक्ट के लिए काउंट किए जाएंगे। तो 25% के क्राइटेरिया को ऐसे मत समझे कि 25 क्वेश्चन ठीक हुए और सिलेक्शन हो गया, ना, आपको टॉप बच्चों में रहना है, पहले 4 गुना बच्चों में आएंगे तब जाकर आप सब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। यहां पर 100 नंबर का है क्वालिफाई, आपके कितने नंबर आ जाए इसमें, मान लिया आपने यहां टॉप कर लिया, 100 में से आपके 80 नंबर आ गए और आपने टॉप कर लिया, और एक बच्चे के 100 में से यहां 65 आ गए और वो भी क्लियर कर गया सब्जेक्टिव के लिए, तो आपके यहां मार्क्स काउंट नहीं होंगे। आप 80 हैं या 65 हैं, आप दोनों एक इक्वल लेवल पर काउंट किए जाएंगे, बट जब सब्जेक्टिव होगा तो उसके आपके जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, आपके सब्जेक्टिव के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और जो रिजल्ट ग्रुप टीम है वो आप लोगों के साथ स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तक आप लोगों के साथ खड़ी है भाई। हमारा जो प्रीवियस एग्जाम में, जो पीछे भी सिलेक्शन हुए हैं 2024 में, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनके इंटरव्यू इस संडे से हम अपलोड करना शुरू कर देंगे,
वो कैंडिडेट आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, रिजल्ट गुरु टीम ने कैसे उनकी हेल्प की है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन से नोट्स पढ़े हैं, कितने घंटे पढ़े हैं, किस लेवल तक क्वेश्चन उन्होंने पढ़े हैं, वो सारी चीजें, वो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब का जवाब देंगे हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट। इस संडे से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। दूसरा एक क्वेश्चन और चल रहा है बच्चों के माइंड में कि सर जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी कम है क्या उनका स्क्रीनिंग होगा या डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में ऐसा हुआ है, क्या वो डायरेक्ट सब्जेक्टिव हो गया, बट ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि वैकेंसी कम है तो स्क्रीनिंग नहीं होगा, वो बोर्ड पर डिपेंड करता है। उम्मीद है क्योंकि डिफाइन नहीं किया तो उम्मीद है कि स्क्रीनिंग सबका होगा और सब्जेक्टिव फिर सबका होगा जो क्वालिफाई करके आएगा। ठीक है, आपको अगर हमारा कोई कोर्स परचेज करना है, आपको मान लिया एचपीएससी की तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टीचिंग एग्जाम में जाकर एचपीएससी से अपने एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी किसी एग्जाम की तैयारी आपके भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार को करनी है तो आप उसके साथ भी इस एप्लीकेशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अगर नंबर की बात करें तो आपको दिख जाएगा, अब क्लियरली दिखेगा, 7400448 68, आप इस पे कॉल करके भी हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।